राम जपना आप पराया माल अपना, राम राम जपना आप राजद का विधायक अपना। और ये लोकतंत्र की डकैती है, नीतीश का क्या काम है? चीलम करो चौरा, सरकार करो सरकार पे मारो हथौड़ा, आ सबको तोड़ो आ सबको मिलाओ, अपना सत्ता का सुख भोगो। अरे कब्र अपना अपना कब्र खोदा गया है, 24 में राम नाम सत्य होगा और जो है ना उनके कब्र पर फतिया पड़ा जाएगा। ये नीतीश कुमार गया और उनकी पार्टी भी गई। अब लड़ाई सीधी है तो भाजपा राजद की है, जाते हैं मिट्टी मिल जाएंगे लेकिन भाजपा हम नहीं सटेंगे। वही आदमी जो है आज मिट्टी से निकल करके फिर भाजपा हम सट गए हैं, कब्र खो चुके हैं। और जदयू नाम की पार्टी कोई थी, इतिहास के पन्नों में भी उनका नाम लेने से वो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। राम के नाम को बेच के खाली सत्ता में और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। देखिए बिहार विधानसभा के जस्ट सामने से हम लोग जुड़े हैं और जिस प्रकार से आज फ्लोर टेस्ट था उसमें जो खेल की संभावना थी, जिस खेल के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल बाकी है, वह खेल नहीं हो पाया है। उल्टे आरजेडी के ही तीन विधायक जिसमें से प्रहलाद यादव हैं सूर्यगढ़ा से विधायक है, नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी मकामा से विधायक है, और चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है। तीन विधायकों ने दगा दे दिया है आरजेडी को, जनता में उनको लेके निराशा है। कैसे देखते हैं, खेल होने की उम्मीद थी कि जदयू के पांच आपकी तरफ आ रहे हैं, मांझी जी आपकी तरफ आ रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ही के तीन विधायक ने आपको दगा दे दिया। सर देखिए यही तो लोकतंत्र में डकैती है, यही तो लोकतंत्र में डकैती है कि आप रात को पूरी पुलिस छावनी में 10 नंबर और 5 नंबर पूरे बिहार को बदलने का काम करते हैं। इनके जो विधायक कहीं ना कहीं जो असंतुष्ट लोग थे, जो इनकी विचारधारा इनकी शैली से असंतुष्ट लोग थे, वो लोग आज भी जदयू के उपस्थित नहीं हुए, वो भाजपा के आज भी वो लोग उपस्थित नहीं हुए। तो खेल तो सत्ता में बैठे लोगों, सत्ता में बैठने का शौक जिनको है, यहाँ से लेकर केंद्र तक के लोग कितने लोग उपस्थित नहीं थे, कोई जानकारी है? जदयू के कम से कम 5 विधायक वहाँ से गायब थे, गायब थे जी, भाजपा के विधायक गायब थे वहाँ से। और जब उनका अपना आंकड़ा टूटा है तो इन्होंने हमारे घर में सेंधमारी किया है, हमारे विधायक को तोड़ने का काम किया, और जब हमारे विधायक नहीं जा रहे थे तो 3 बजे रात में जबरन इनको उठा के ले जाने का काम किया, और इनको इनको दंड भेद करके इनको कहीं ना कहीं धमका के जो लोकतंत्र की जितनी प्रकाष्ठा मर्यादित हो सकती है, जितना अमानवीय शब्द अगर हम इनके लिए बोले तो वो शब्द भी हम यूज नहीं करना चाहते, उन सब का प्रयोग करके इन्होंने लोकतंत्र पे दोबारा डाका डालने का हम आगामी थे। चेतन आनंद के भाई ने एफआईआर दर्ज कर दिया था कि मेरे विधायक भाई को तेजस्वी यादव ने कैद कर लिया, अपहरण कर लिया है। देखिए कहीं ना कहीं इनके पूरे परिवार पे ये दबाव था कि तुम बाहर आए हो फिर अंदर कर देंगे, बेटा को लाओ नहीं तो सब जाओगे जी। ये साबित हो जाता है कि आनंद मोहन को जानबूझ के छोड़ा गया था। अरे भैया हम तो कह ही रहे हैं ना कि इनके बेटा के ऊपर जबरन दबाव बनाया गया, इनके पूरे परिवार के ऊपर जबरन दबाव बनाया गया, और ये लोकतंत्र की डकैती है। आप जिस तरीके सदन में जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है, वोटिंग होने से पूर्व में आपने हमारे विधायक को अपने खेमे में क्यों बिठा के रखा? ये पूरा देश, ये पूरा बिहार की 13 करोड़ जनता देख रही है, देख रही है। जवाब देगी 24-25 के चुनाव में एकदम निश्चित। हमने तो पहले भी कहा था कि कब्र खो चुके हैं, और जदयू नाम की पार्टी कोई थी, इतिहास के पन्नों में भी उनका नाम लेने से वो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जदयू पट्टा बांध के उनके जो है समर्थक, आइए थोड़ा सा, आपकी पार्टी इतिहास पढ़ने में नहीं आएगी, भाई साहब कह रहे हैं। एक चीज है कि इनके कहने से क्या होगा, अच्छा इनके कहने जो जनता कहेगी उसका ना होगा, और जनता कह दी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहिए तो बन गए, पुलिस हो गई, यहाँ का जनता प्रशासन हो गया, और प्रशासन और गृह मंत्रालय का यहाँ से लेकर केंद्र तक जो दुरुपयोग इन्होंने किया है उसकी जवाब जनता तो निश्चित देगी। इतनी हड़बड़ाहट किस बात की थी, आपको ताकत फ्लोर पर दिखाना था कि पुलिस का डंडा लेके विधायक के घर में घुसते हैं, पूरा रात छापामारी करते हैं। आरजेडी विधायक है उनको जो है रात उठा लिया गया, तस्वीर से खींच लिया गया। एक चीज है, जब तक उन्होंने शिकायत नहीं किया होगा तो कैसे पुलिस उठा लिया होगा? अच्छा पुलिस कानून व्यवस्था आप मान के चलिएगा ना, सही है सर, लोग दूसरे के विधायक को तोड़ के अपने मिला लिए। देखिए तोड़ने वाली या जोड़ने वाली तो यहाँ बात अगर अच्छा था, एक बार सुन लीजिए, जिस माननीय विधायक को उन्होंने रात को 3 बजे वहाँ से उठा के लाने का काम किया है, इसके पीछे का षड्यंत्र सब लोग जान रहे हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने विशेष पावर और कानून में बदलाव करके उस परिवार को जो है
वापस जो है जेल से लाने का काम करते हैं। वही रणनीति, वही दबाव पुनः उस परिवार पर डाला गया जिसके कारण जो है हमारे विधायक को तोड़ा गया। अनंत सिंह से क्या डील हो गया कि उनकी पत्नी क्रॉस वोटिंग कर दी? अब तो बताएंगे मुख्यमंत्री जी, पूछेगा क्या डील करके वो क्रॉस वोटिंग करवाए हैं। हमने तो वोटिंग नहीं लेना उनका, तो अब तो सत्ता में बैठे लोग बताएंगे जो पगड़ी अपना माथा खोल के गोड़ में चढ़ाते हैं और जो जय श्री राम का नारा देते हैं, वही जय श्री राम वाले लोग जो वही राम भगवान को अपना जो है विचार मानने वाले लोग जो है श्री राम जी जो है ना सत्ता को ठोकर मार के 14 साल वनवास गए थे, ये राम के नाम को बेच के खाली सत्ता में और कुर्सी को बैठना चाहते हैं। ऐसे अमर्यादित और लोकतंत्र की डकैती करने वाले लोगों को जवाब 24-25 में मिलेगा। आप लोगों ने लोकतंत्र में डकैती कर दी है, विधायक को क्रॉस वोट करवा दिया। अरे इनका कहना है और इनका कहना, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 18 साल से हैं, 18 साल से पीछे चले जाइए, एक महिला 18 दिन में 18 साल का जवाब जो है ना 17 महीना में काली पोत दिए है नीतीश कुमार जी के मुँह पर। ये 18 साल 17 साल की जो दुहाई दे रहे हैं पूरा करखा पोता गया है नीतीश कुमार जी के मुंह पर। अगर इतना ही सृजन करना है ना रोजगार, तो 17 महीने में 5 लाख दिए हैं ना, ये बचा हुआ जो इनका टर्म है अभी विधानसभा का उसमें कम से कम 20-25 लाख नियुक्ति भर दे। अगर किसी बच्चे को रोजगार मिलेगा तो हो सकता है उसमें इनके परिवार के भी लोग होंगे, इनके परिवार के भी लोग होंगे। बीजेपी के भी समर्थक आगे थोड़ा आगे जाइए, पहले तो आप क्यों बधाई का आप लोग पास कर गए ब्लड टेस्ट में। जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप लोग जो है सरकार इनकी थी, आप बीच में एंट्री मार गए। कैसे मार लिए एंट्री सर जी? अरे जो स्कूल में मास्टर पढ़ाने लायक नहीं होता है सहयोगी, उसको छांटा जाता है कि नहीं है? अच्छा, वही थोड़ा सा छांट दिया गया। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जो बोले, अगर बेटा बेटा बोलेगा पप्पा हमको भूख लगा है, तो बोलेगा बेटा जय श्री राम, तो पेट भर राम राम जपना, अब पराया माल अपना, राम राम जपना, अब राजद का विधायक राम राम जपना, अब पराया माल अपना, विधायक अपना। हाँ यही नीति है। ए दादा, जब भी हम कोई चीज में आफत में आते हैं तो सबसे पहले हमारे माता पिताजी वही दरबार में जाते हैं और भूत लाकर लगा देते हैं कि हमारा बच्चा का कल्याण हो। इसलिए बाबा जो बीमार पड़े थे तो एम्स में भर्ती कराए थे, कहे ना भूत में डुबा दिए बाबा को। बाबा जो बीमार पड़े थे, बाबा जो बीमार पड़े थे भूत में डुबा देते, बाबा को भूत में कहे ना डुबा दिए। खाली बात बड़का झुका पार्टी का काम करती है, भूत लगाते हैं, लगा देंगे। नीतीश बाबू बोले थे क्या कि हम मिट्टी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत पाम नहीं जाएंगे। ये भभूत की बात करते हैं ना, ये भभूत की बात करते हैं ना, ये भभूत की बात करते हैं। ये कहाँ गए इनके बाबा? इनके बाबा का जो हुक्की चल रहा था, इनके बाबा, इनके बाबा कब्जा उखाड़ने गए थे, खुद कब्जा हो गए थे, वहीं पे हैं 18 साल। इनके 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 बाबा जो बीमार हुए थे, इनके बाबा जो बीमार हुए थे ना, जो हुक्की चल रहा था, तो साइंस का याद आया, वो कहा भभूत भभूत में डुबा के सांस रोक देना चाहिए ऐसे बाबाओं का, देश की जनता को भ्रमित करने का काम करती है। अरे कब्र अपना अपना कब्र खोदा गया है, 24 में राम नाम सत्य होगा और जो है ना उनके कब्र पर फतिया पड़ा जाएगा। ये नीतीश कुमार गया और उनकी पार्टी भी गई। अब लड़ाई सीधी है तो भाजपा राजद की है, विकास विरोधी है नीतीश कुमार भाई, एकदम विरोधी है, एकदम विरोधी है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे मजबूत नेता है, विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, और जिस तरह जीतने का वह काम किया है विधानसभा में, विधानसभा में जिस तरह जीतने का, इनका करैक्टर, अरे अरे इनका करैक्टर, अरे इनका इनका नीतीश कुमार का करैक्टर जो है ना, स्टेज पर नाचने वाली नचनिया भी होती है ना, तो जिसका पैसा लेके आती है उसी के नाम पर ठुमका लगाती है। लेकिन नीतीश कुमार जनगणना हम कराए और नौकरी हम दिए, तभी मोदी जी के पास गया था जाके जाति जनगणना करा दे पूरे देश में। नीतीश का क्या काम है? चीलम करो चौरा, सरकार करो सरकार पे मारो हथौड़ा, आ सबको तोड़ो, आ सबको मिलाओ, अपना सत्ता का सुख भोगो। दम पर तो सरकार बनाया नहीं है, कभी उधर कभी मतलब मायके ससुराल बने। उन्हीं का चीलम से जो चिंगारी उड़ा है ना, वो चिंगारी बिहार में रोशनी लेके आएगा, बिहार में बदलाव लेके आएगा। तो अपने
सीलम के चिंगारी को बहुत अच्छा से फैलाए हैं, निश्चित तौर पर जनता उसका जवाब देगी। यही भाजपा वाला कह रहा था ना पहले कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, बोल रहा था ना जी। और फिर चिराग पासवान का बोला कि इसका इलाज की जरूरत है, और बीजेपी महिला का बोली कि हम क्या कर लेते बिहार में, है ना, विधानसभा में हम क्या न कर लेते। आप क्या कहेगी, लालू यादव की सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार बनेगा मेरा ही सरकार बनेगा, अकेला सरकार बनेगा राजद का, आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी। हम लोग देखिए, हम लोग जो है इंसान जो है बिहार के अंदर में हम लोग उसको चाहत करते हैं, चोरों को और बदमाशों को हम लोग चाहत नहीं करते, जो कि अपना मुखर बोली से मुखर जाते हैं, मिट्टी मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं सटेंगे। वही आदमी जो है आज मिट्टी से निकल करके फिर भाजपा में सट गए हैं, निकल के चला गया भाजपा में। वो लोग के ऊपर क्या फ्लोट टेस्ट में फेल कर गई हो, एनडीए की सरकार ने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन जोश हाई है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, कह रहे हैं कि 24-25 के चुनाव में इनको जवाब दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग, आपकी सरकार तो जो है फ्लोट टेस्ट में फेल कर गई। नहीं देखिए, आज जो कुछ भी बिहार विधानसभा के अंदर हुआ वो भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, सही नहीं है बिल्कुल। जिस तरीके से नीतीश जी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, अच्छा, और खरीद फरोख्त करके जिस तरीके से, कितना नाम देखिए आपके विधायक, अरे नहीं ये वो तो उस पर हमको नहीं कुछ कहना है, लेकिन आप ऐसे विधायक को टिकट क्यों देते हैं जो बिक जाते हैं? कोई जानता है क्या, कोई जानता है, कोई बच्चा पैदा करता तो जानता है कि बच्चा किस तरह का होगा। आदमी तो उस हिसाब से निर्णय लेता है ना, लेकिन देश के लालू जी 2015 में एक भी अपर कास्ट को टिकट नहीं दिए थे, और तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं, दो को चला गया ना अपर कास्ट का विधायक आपका। बिल्कुल बिल्कुल, यही दुर्भाग्य है। और इस देश के पिछड़े दलित समाज के लोगों को समझने की जरूरत है, जो कुछ झारखंड में हुआ, जो बिहार में हुआ, इस देश का पिछड़ा दलित तबका ये समझे किस तरीके से इस देश के पिछड़े दलित तबके के नेताओं के साथ जिस तरीके से ये राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस चीजों को समझने की जरूरत है। और आपने सही बात कहा, जो दो लोगों ने, चूंकि ये दोनों अपराधी, आनंद मोहन के बेटे, दोनों आप लोगों ने निकलवा दिया जेल से, दलित IAS का हत्यारा था। बिल्कुल, चेतन आनंद और नीलम देवी दोनों अपराधी प्रवृत्ति के घर से आते हैं, और दोनों अपने सुविधा के हिसाब से, आज इनको लगा, कल सुविधा के हिसाब से राजद में आए थे, आज सुविधा के हिसाब से चले गए। वो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के लोग नहीं थे, वो अपने सुविधा के विचारधारा के लोग थे। नहीं, जो कुछ भी इन लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया, ये इंडिकेशन है A to Z का, जो हमारे नेता ने सहारा लेकर के सभी तबकों को जोड़ करके राजनीति की जो शुरुआत की थी, इन लोगों ने अब सोचने की जरूरत है इस बात को, अब सोचने की जरूरत है, नए तरीके से, नए सिरे से हम सोचेंगे, और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर बिहार की जनता फिर इनको सबक सिखाने का काम करेगी। चलिए, ये लोग थे, कुछ गुस्सा भी है और जोश भी हाई है कि 24-25 के चुनाव में ये जवाब देंगे नीतीश कुमार को और मोदी जी की NDA गवर्नमेंट को। हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, पूरी बातचीत पे पटक दीजिए, रवि मेहता पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।